नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूमे थे क्लास में। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कराते हैं। तो देखते हैं क्या है। उस एपी के 51 पदों का योग याद कीजिए जिसके तीसरे और दूसरे पद क्रमशः ये दे रखे हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। माना एपी का प्रथम पद बराबर ए, सार्व अंतर नहीं दिया तो इसको भी मान लेते हैं, सार्व अंतर बराबर डी है। तो प्रश्नानुसार देखो क्या आएगा। दूसरे यानी ए टू, की वैल्यू दे दी इन्होंने 14, तो इसको लिखेंगे ए प्लस डी बराबर 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ए थ्री इक्वल टू दे दी 18, तो ये हो जाएगा ए प्लस टू डी बराबर 18 इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण एक और दो से समीकरण सेकंड को घटाने पर यहाँ से ए और डी की वैल्यू मिली गई हमें, तो ए प्लस डी बराबर 14 दिया है और ए प्लस टू डी बराबर 18 है। घटाओगे तो माइनस 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 हो जाएंगे, ये कट गए, 2d में से d घटाओगे तो माइनस का d और ये माइनस के कितने हो जाएंगे 4, 18 में से 14 के तो 4, माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू प्लस की 4 आ गई। तो समीकरण एक में रखने पर समीकरण फर्स्ट में d बराबर 4 रखने पर देखो a प्लस d की वैल्यू 4 है बराबर 14, यहाँ रखा a प्लस d यानी a प्लस 4 बराबर 14, तो a बराबर कितना हो जाएगा 14 घटा में 4 यानी a बराबर 10, तो ए की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, 51 पदों का यानी एस 51 निकालना है, एस 51, तो 51 बाई 2 यानी एन बाई 2 प्लस 2 ए, ए का मान हमने 10 निकाल लिया, प्लस 51 माइनस 1 यानी एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमने 4 निकाल ली। अब इसको ही सॉल्व कर देते हैं, तो 51 बटे में 2, 2 गुणा में 10 प्लस 51 में से घटाओगे तो 50 आ जाएंगे और गुणा में 4, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 51 बटे में 2 गुणा में 2, तो यहाँ पर 10 रह गया और यहाँ पर 50 गुणा में 2 रह गया, 2 से ये 4 दो बार कट गया, इस 2 से 2 भी कट गया, तो क्या हो गया 51 और ये 10 प्लस 100 यानी 51 गुणा में 110, तो इसका आसान हो गया, देखो 0 आ जाएगा, ये 11 का करना है, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और एक 56 यानी 5610 आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाइए इस प्रश्न को भी आपने अच्छे समझ लिया होगा। समझिए, हमारी वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए